हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कार बलिनो एंड एक्सेल 6 को सीएनजी वेरिएंट में उतारा है। जी हां दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। और जहां तक बलिनो 2022 सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो दो वेरिएंट में उतारा है, डेल्टा एंड जेटा वेरिएंट में। डेल्टा वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई है 8,28,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं जेटा वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 9,21,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जहां तक बलिनो 2022 सीएनजी वेरिएंट में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 77.49 पीएस की पावर एंड 98.5 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है सीएनजी वेरिएंट में 30.61 केएमकेजी की। इसके साथ ही मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर 6 सीटर एमपीवी एक्सल 6 जो कि सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च हो चुकी है, और कंपनी ने जेटा वेरिएंट को सीएनजी वेरिएंट में उतारा है। और वहीं जेटा सीएनजी वेरिएंट की प्राइस जाती है 12,24,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जहां तक मारुति सुजुकी एक्सल 6 जेटा सीएनजी वेरिएंट में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 87.43 पीएस की पावर एंड 121.5 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एक्सल 6 सीएनजी वेरिएंट में कंपनी ने क्लेम किया है माइलेज 26.32 केएमकेजी की माइलेज, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कुछ ही महीने पहले मारुति सुजुकी की बलेनो और एक्सल 6 के फेसलिफ्ट अवतार को लॉन्च किया गया था भारतीय बाज़ार में। अब देखो, इसके सीएनजी वेरिएंट भी भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो चुकी है। जो लोग मारुति सुजुकी बलेनो एंड एक्सल 6 को सीएनजी वेरिएंट में चाह रहे थे, उनके लिए तो ये वरदान साबित है दोस्तों। ज़बरदस्त माइलेज के साथ भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया है मारुति सुजुकी बलेनो और एक्सल 6 सीएनजी वेरिएंट के। डिटेल्स आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो सीएनजी एंड एक्सल 6 सीएनजी वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोज़ाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज़, टेस्ट ड्राइव्स, वर्कराउंड्स, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।